आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रीवा में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शहर में विजय जुलूस निकाला। रीवा की 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर अप्रत्याशित जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायकों ने अपने अपने इलाके में विजय जुलूस निकाला तथा जनता का आशीर्वाद लिया। वहीं जिले की 8 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर लोगों के बधाई संदेशों को इन्हें स्वीकार किया। बीजेपी की जुलूस में खासा उत्साह देखने को मिला। रीवा जिले की जनता को और विंध्य क्षेत्र की जनता को मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन विंध्य की जनता ने दिया है। जब विकास की यात्रा को मुकाम तक पहुँचाने के लिए ऐसे समर्थन की बहुत ज़रूरत थी और ये संदेश दे दिया है कि विंध्य अब विकास की दिशा में चल पड़ा है और विंध्य में अब वोट यदि पड़ता है तो इधर उधर के मुद्दों पर नहीं पड़ता, विकास के मुद्दे पर ही वोट डालने का काम विंध्य की जनता करती है। ये सकारात्मक संदेश विंध्य की जनता ने मध्य प्रदेश और देश को दिया है। मैं 2 पंचवर्षीय देवतला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहा, वहाँ की जनताओं को सेवा करने का मुझे भी अवसर प्रदान हुआ था। बाद में जैसे ही मनगमा आरक्षण की श्रेणी पर आया तो हमारी श्रीमती जी को यहाँ से टिकट प्राप्त हुआ। श्रीमती जी को भी आशीर्वाद सभी आमजन लोगों ने दिया। 5 वर्ष कार्यकाल उन्होंने अच्छी तरह से किया, मनगमा के विकास में बहुत सारे काम कराए, जैसे ये नहर का जाल बिछवा दिया, कॉलेज का निर्माण कराया, कॉलेज लाए, भवन के लाने पैसा लाए और आपकी जितनी भी पहले ऑफिस थी सिरमौर ऑफिस थी, उन्होंने PWD ऑफिस, PHE ऑफिस सब सिरमौर में थी, SDOP सिरमौर में, सब लोगों को बैठा दिया मनगमा में। अब इस बार हमें जनता ने आशीर्वाद दिया, पार्टी का तो हमारे ऊपर छत्र छाया ही रहा, इस बार हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान किया और टिकट प्राप्त हुई। जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, पहले से थोड़ा ये महसूस कर रहे हैं कि अब ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो जमीन नापी है, अभी आसमान बाकी है, बहुत सारा काम करना अभी बाकी है सिमरिया के लिए जो हमने कमिटमेंट किया है और वो कैसे पूरा होगा इस बात का हम चिंतन कर रहे हैं और कैसे इस पर हम लोग खरा उतरें उस चिंतन में हम लग गए हैं कल से। इस दौरान सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक दिव्यराज सिंह, रीवा से राजेंद्र शुक्ल, सिमरिया से KP त्रिपाठी सहित सभी विधायकों ने लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जनता को जीत का श्रेय देते हुए धन्यवाद दिया। वहीं विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान किया और उन्होंने दोहराया कि अब इससे भी ज़्यादा गति से विकास कार्य किए जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।